कवर्धा जिला विकास समीक्षा दिशा की बैठक 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट जिला कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे की अध्यक्षता में कबीरधाम कलेक्टर जमनेजय मोहबे के निर्देश पर सभी विभाग के अधिकारी जिला विकास समन्वयक दिशा बैठक में उपस्थित रहे। बैठक समीक्षा में केंद्र सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की क्रियान्वयन प्रगति की खास कर चर्चा की गई। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सर्व शिक्षा मिशन जैसी योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर कबीरधाम एवं जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए ईमानदारी से कार्य संपादन करने का सुझाव दिया गया। जिला विकास समिति दिशा बैठक समीक्षा चर्चा के दौरान मुख्य 42 बिंदुओं का एजेंडा जारी की गई। समीक्षा चर्चा में प्रमुख रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि विषयों पर विशेष चर्चा की गई। आज कबीरधाम कलेक्ट्रेट में जिला विकास समीक्षा का बैठक था, बताएंगे सर बैठक में क्या चर्चा हुई? हर 3 महीने में जिला विकास समन्वय समिति दिशा कमेटी की बैठक संपन्न होती है और कबीरधाम जिले का जो बहुप्रतीक्षित ये कहें यहाँ जिलाधीश स्थानांतरण के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, आज संपन्न हुई और उसमें सभी विभागों की समीक्षा की गई। और इसमें जिस प्रकार की थोड़ी सी जो अनियमितता दिख रही थी, कहीं भी अव्यवस्थित खुदाई किए हैं और नल जल योजना के अंतर्गत जो पाइप जो बिछाने का काम चल रहा है, टंकी निर्माण का काम चल रहा है, उस विषय में विस्तार से जानकारी ली गई। आग अभी जिस प्रकार से बांधों की स्थिति क्या है, भरान कितना हुआ है और जो फसल बीमा की जो स्थिति है, आवास की स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास की स्थिति है, रूर्बन योजना है और इस प्रकार से जो लगभग 50 ऐसे जो योजनाएं हैं जो चल रही है केंद्र सरकार की, उन योजनाओं के विषय में विस्तृत समीक्षा हुई। जी, जैसे जिले में शिकायतें लोगों का है, जिलों का, जैसे पीएम आवास का है, जैसे पीएम सड़क मार्ग का है, वन से कटाई के मामले में है, इस विषय में क्यों खास वहां चर्चा क्या विषय हुआ आज? इसमें वन को छोड़ करके बाकी विषय में तो चर्चा हुई है और जिस प्रकार से कुछ कुछ विभागों में जो अनियमितता और जो कमियां हुई है उसकी जानकारी समयबद्ध मांगा गया है और आने वाले समय में अधिकारीगण उसकी जानकारी प्रेषित करेंगे, उसके बाद फिर उसमें और भी। जैसे कि योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के सर, मगर नियंत्रण आपको इस क्षेत्र का जो राजनांदगांव क्षेत्र संसदीय सांसद है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें योजनाएं सरकार की है, सेंट्रल की है, किंतु इस प्रदेश में एजेंसी काम करने वाले तंत्र अधिकार ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं और उनके अधिकारी ही सब कुछ करते हैं। इस प्रकार से उनको व्यापक अधिकार है और जवाबदेही भी उसी की है, यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता पाएगी उसके लिए जिम्मेदार भी वही होंगे। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा, समन्वय के साथ निगरानी करने का काम, ये निगरानी का है, किंतु इसमें उनको दंडित करना, उनके सब प्रकार से उनके क्रियान्वयन के लिए उनको, तो ये अधिकार तो सरकार की है और किंतु निगरानी हम लोग कर रहे हैं हर 3 महीने में बैठक। कबीरधाम से पीडी मणिपुरी, सीजी विजन टीवी।